हेलो दोस्तों, आज के इस वाले वीडियो में मैं आप सभी के सामने डीएम और डीआईजे में कंपेयर करने वाला हूं और बताने वाला हूं कौन बड़ा अधिकारी होता है, किसके पास ज़्यादा पावर होती है। और दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पुलिस, आर्मी और आईएएस से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो हैं, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम फुल फॉर्म्स देख लेते हैं कि किसकी क्या फुल फॉर्म होती है। तो जो डीएम होता है, डीएम की फुल फॉर्म होती है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, यानी कि जिला अधिकारी। और पूरे ज़िले में सबसे ज़्यादा पावरफुल डीएम यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही होता है। और डीआईजी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। और इनके पास कई सारे डिस्ट्रिक्ट होते हैं, तो कई सारे डिस्ट्रिक्ट के पुलिस को ये मेंटेन करके रखते हैं। और अब हम देखते हैं कि बनते कैसे हैं, डीएम या डीआईजी कैसे बनते हैं। तो चाहे आपको डीएम यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या जिलाधिकारी बनना हो या फिर आपको डीआईजी बनना हो, तो इन दोनों सर्विस के लिए आपको एक एग्ज़ाम देना होगा, जो होता है यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। सिविल सर्विस वाला एग्ज़ाम होता है, हर साल होता है। अगर आप आईएएस सर्विस चुनते हैं और तो आप प्रमोशन के बाद कुछ सालों में आपको डीएम की सर्विस मिल जाएगी। और अगर आप आईपीएस सर्विस चुनते हैं तो कुछ सालों में प्रमोशन के बाद आपको डीआईजी बना दिया जाता है। तो अगर आप यूपीएससी के थ्रू एग्ज़ाम दे के आईपीएस बन के फिर आप डीआईजी बनते हैं तो आपका जल्दी प्रमोशन हो जाता है और 10-12 सालों में या 15 साल में आप डीआईजी बन जाते हैं। अब हम देख लेते हैं हाईएस्ट पोस्ट या हाईएस्ट प्रमोशन क्या क्या होता है। तो देखिए, जिन्होंने भी यूपीएससी का एग्ज़ाम दे के आईएएस सर्विस चुना होगा तो उनकी हाईएस्ट पोस्ट होती है मुख्य सचिव की, और जिसे हम इंग्लिश में चीफ सेक्रेटरी भी बोलते हैं। ये हाईएस्ट पोस्ट होती है कि स्टेट के अंदर। और एक पोस्ट और होती है, वो होती है कैबिनेट सेक्रेटरी, और ये पोस्ट मोस्ट सीनियर आईएएस ऑफिसर को ही दी जाती है। और सबसे बड़ी पोस्ट यही होती है आईएएस में। और आईपीएस में सबसे बड़ी पोस्ट आपको स्टेट के अंदर मिलेगी, डीजीपी यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। और डीजीपी जो रहता है पूरे स्टेट की पुलिस का हेड होता है, और पूरे स्टेट की पुलिस को ऑर्डर देने का काम डीजीपी करता है। अब हम देख लेते हैं स्पेशल कार कि किस ऑफिसर को कौन सी कार दी जाती है। तो जो डीएम या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होंगे उन्हें जो कार मिलती है उस पर लिखा रहता है, यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और ऊपर इंडिया का फ्लैग होता है। और जो डीआईजी को कार मिलती है उस पर ऐसे नीली प्लेट रहेगी, उस पर एक स्टार रहेगा, ऊपर इस तरह का फ्लैग रहेगा ट्रायंगल, ऊपर रेड और नीचे ब्लू। ये स्पेशल कार दी जाती है, वो डीआईजी ऑफिसर को दी जाती है। और अगर मैं अब इनकी सैलरी की बात करूं कि डीएम और डीआईजी को कितनी कितनी सैलरी दी जाती है, तो जो डीएम यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं उन्हें जो सैलरी दी जाती है, तो मिनिमम ग्रॉस सैलरी इनकी 1.5 लाख रुपए पर मंथ है, कम से कम इन्हें 1.5 लाख मिल ही जाता है। और कुछ अलाउंसेज अगर बढ़ जाता है तो इसकी सैलरी और भी ज़्यादा हो जाती है, लेकिन कम से कम इन्हें 1.5 लाख रुपये डीएम को पर मंथ मिलने ही मिलने हैं। और जो डीआईजी को जो सैलरी दी जाती है, तो डीआईजी की जो सैलरी होती है पर मंथ की, तो मिनिमम ग्रॉस सैलरी ने 1,83,500 रुपये कम से कम इन्हें मिलने ही मिलने हैं डीआईजी को। तो यहाँ सैलरी से ही थोड़ा सा पता चल रहा है कि डीआईजी थोड़ी बड़ी पोस्ट होगी इसलिए उनकी सैलरी ज़्यादा है, आगे मैं डिटेल में बताता हूँ। तो अब हम देख लेते हैं इनके वर्क एंड पावर कि किसके पास कितनी पावर है, किसके पास क्या काम होता है। तो डीएम यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पूरे ज़िले का अधिकारी होता है, पूरे ज़िले का देख रेख, पूरे ज़िले में जितने भी डिपार्टमेंट आते हैं सारा मेंटेन करना, सब पे कंट्रोल डीएम का ही होता है। और डीएम की पावर एक डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज़्यादा होती है रियल में, और डीएम बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है एक डिस्ट्रिक्ट में सब मेंटेन करना। डीएम के अंडर में एडीएम और एसडीएम, ये सब डीएम के अंडर में ही आते हैं। और वहीं बात करूँ मैं डीआईजी की यानी कि डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, तो जो डीआईजी होते हैं वो मंडल स्तर पर होते हैं, और मंडल स्तर पर कई सारे डिस्ट्रिक्ट आ जाते हैं एक मंडल में। और ये जो डीआईजी की पोस्ट होती है एसएसपी या डीसीपी से ऊपर पोस्ट होती है, तो कई सारे डिस्ट्रिक्ट के पुलिस को ये ऑर्डर दे सकते हैं डीआईजी, और कई सारे डिस्ट्रिक्ट के पुलिस के ऊपर कंट्रोल रहता है डीआईजी का। तो कहीं ना कहीं पे डीआईजी डीएम से बड़ा होता है, एक बार को डीआईजी डीएम का ऑर्डर दे सकता है, लेकिन डीएम डीआईजी को ऑर्डर नहीं दे सकता है, डीआईजी का ऑर्डर उससे ऊपर के अधिकारी यानी कि आईजी या डीजीपी ही देंगे। जैसा कि सैलरी के डिफरेंस से ही पता चल रहा था कि ये उससे ऊपर का अधिकारी होगा, तो डीआईजी और डीएम में डीआईजी बड़ा अधिकारी होता है।